तो भाई जब से हमारा लियो आया है ना, वो इस रूम में रह रहा है। इसको ना हमने मिनी जू में रखा है ना बिग जू में रखा है, क्योंकि इसकी केयर अच्छे से हो जाए। आज वन मैं तो सोच रहा हूँ इसको शिफ्ट करते हैं। हाँ ना यार, बिग जू में जाके ना इसका प्यारा सा केज बनवा के वहीं छोड़ दो। चलो ले आ, ले आ, चले। अभी हम इसको ले चलते हैं वहाँ, इसका घर भी ले आते हैं अच्छा सा, और इसको वहीं हम शिफ्ट कर देते हैं। काफी देर हो गई, सुभान भी नजर नहीं आ रहा। सुभान किधर है तू? वो ये रहा। किधर? लियो को कुछ हो गया। क्या हो गया लियो को? पता नहीं। लियो 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 उठाओ उसको, उठा। ओ यार ये अपने आप ही कहाँ पे जा रहा है? लियो उठा ना भाई, ऊपर उठाएगा पता लगेगा क्या हुआ इसको। सुभान इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? पता नहीं, रुक 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 मैं देखूं। लियो आंखें खोल, लियो आंखें खोल। यार उसको होश ही नहीं है। इसको नीचे छोड़, नीचे छोड़। चल सकता है? नहीं छोड़। ओ गिर गया, गिर गया। नहीं चल सकता, नहीं चल सकता यार। इसको बिग जू से पहले ना हमें ना डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। यार गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। क्या हुआ मामू? बिठाओ बिठाओ, गाड़ी में बिठा, गाड़ी में बिठा। सीधा डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल चलते हैं। ओए मामू, क्या हुआ इसको? इसको बहुत पेन हो रही है यार। कहाँ? यहाँ टांग भी पेन हो रही है यार। गाड़ी चला यार, जल्दी चला। बस चलते हैं यार जल्दी से। ओए मामू देखो, बिल्कुल ये देखो, देखो बहुत एग्रेसिव हो रहा बेचारा। जल्दी गाड़ी चला यार। दोस्तों आप जल्दी से लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। हमें तो पता नहीं लग रहा लाइन को है क्या। मुझे तो लगता है पाँव में दर्द है। सुभान बोल रहा है इसको कुछ हो रहा है पड़ा। यार पता नहीं इसे क्या हो रहा है, अचानक आंखें ऊपर कर लिया है यार उसने। अच्छा हाँ, बस ले चलो जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। बस दोस्तों अभी जल्दी जल्दी मैं पहुँच रहा हूँ, फुल स्पीड में चला रहा हूँ। बहुत ज्यादा रश है बड़ा आगे। मामू लियो तो ठीक हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ खेलने लग जाएगा, खाएगा पिएगा, ठीक है ना? टीका लगेगा तभी ये सही होगा। टीका क्यों लगा? टीका मुझे ना लगा दे यार, टीका ना लगवा यार, टीका ना लगवा। मामू ये तो डॉक्टर बताएगा कितना अग्रेसिव हो गया। टीका नहीं लगवाएंगे, मैं फिर जाता नहीं हूँ यार। सुबह तू ले जाइयो, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। बस बस डॉक्टर बताएगा, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, वहीं पहुँच के पता लगता है। मामू जल्दी करो, जल्दी जल्दी उठा जाओ, उठा जाओ। फाइनली दोस्तों हम डॉक्टर की शॉप पे पहुंच चुके हैं, अब सीधा जाके इसको चेक करवाते हैं क्या मसला है। तो भाई अभी टाइम आ चुका है अपने लाइन को आईसी रूम में लेके जाने का। मामू इसको क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं क्या? पता नहीं, इमरजेंसी कहते हैं। हाँ बस जो भी है, ले आओ ले आओ, चेक कराएं, ले आओ ले आओ। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो लियो बस जल्दी सही हो जाएगा। चलो मामू इसको ना यहाँ लिटा दें आराम से, बस आराम से सो जाओ। यार हमारे लियो की ट्रीटमेंट जारी हो रही है, हम ना दूर से खड़े होके देख रहे हैं, देखा नहीं जा रहा मामू से भी। मामू क्या हो गया? मेरे तो देखा नहीं, मैं खुद भी होश होने लगा यार। तो ये है कि आपका बच्चा गिरा है और इसके ना मसल्स जो है वो रप्चर हो गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, जिसे हमने एक तरह का मोच आ जाना, इस वजह से ये थोड़ा सा लंग रहा है। ओ अच्छा, डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा ना? हां इंशाल्लाह ठीक होगा। शुक्र है यार, हमें उम्मीद मिल चुकी है सुभान ये ठीक हो जाएगा ना। बस जल्दी से सही हो जाए, फिर बिग जू ले जाना इसे खिलाने। हां बिल्कुल। और मामू यहाँ से दवाई ले रहे हैं। मामू क्या कह रहे हैं वो? यार तू तो चुप कर यार, ले आओ मामू ले आओ यार। सही हो गया, पहले से बेहतर हो गया जब से मामू इंजेक्शन लगा। हाँ जब से इंजेक्शन लगे ना थोड़ा सा ना इसको सुकून मिला, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा दर्द था। हाँ डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट दी है, ये दवाई लेनी है सारी बस। अभी ये देखो ये एक्सरे दी है, वो कह रहे हैं इसकी ना टांग पे फ्रैक्चर आ गया है। अच्छा वो कह रहे हैं इसे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दो। इसको ना हम सीधा घर लेके जाते हैं, इसको ना और ज्यादा तंग नहीं करते। चलो यार हमें बिग जू भी जाना है। हाँ चलो आज मेरी जान आ जाओ। दोस्तों लियो को जब से इंजेक्शन लगा है ना, लियो काफी एक्टिव हो गया। देखो सुभान उसको कैसे बोतल में से पानी पिला रहा है। सुभान पानी पिला, पी रहा पी रहा, ये ले लियो, पियो पियो पियो, शाबाश। चलो सुभान ले आओ इसको जल्दी से, बस आ गया आ गया। आप ना इसको जल्दी से ना बिग जू ले चलो, ठीक है? डॉक्टर साहब ने कहा इसको ना साइड पे रखना है और इसको चलने नहीं देना, ताकि जो इसका पाँव में इन्फेक्शन है वो जल्दी सही हो जाए। ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है फिर आप आ जाओ। ठीक है। लो जी जिस डॉक्टर का दो दिन से इंतजार कर रहे थे ना वो आ चुके हैं। डॉक्टर साहब आ गए हो? जी जी। आप हमारे बिग जू में चले, ठीक है ना? वहाँ बकरियाँ शकरियाँ सारी है, फिर हम भी आ रहे हैं। ठीक है यार, हमें लगता है ये वाली दोनों बकरियाँ ना बच्चे देने वाली है, तो डॉक्टर को इसीलिए हमने मंगवाया है, ताकि इसका अच्छे से अल्ट्रासाउंड करें, इसके जो पेट है ना उसको चेक करें कितने कितने बच्चे हैं। अभी मामू दोनों बकरियों को खोलो आप। चलो बकरियों चलो आपको ले चलते हैं, आपके दिखाएंगे कितने बच्चे अंदर हैं आपके अंदर। चलो इसको भी ले चलो, इसको भी ले चलो, जो हमारा चुन्नू है ना ये इन दोनों के पीछे पीछे ही आएगा। इसको खोल देता हूँ। बकरियों को हमने खोल लिया और लेके जा रहे हैं। चलो भाई सिम्बा तू क्यों जा रहा है?
मामू इसको थोड़ी चेक कराना है, सिम्बे के अंदर कहाँ बच्चे है, इसको चेक नहीं कराना। चलो 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 बकरियों चलो। मामू वैसे व्हाइट वाली में कितने बच्चे होंगे? दस दस बच्चे होंगे। दस मामू दस बच्चे कोई बकरी देती नहीं है भाई। अच्छा हाँ, दो से ज्यादा नहीं देती। ओए हट चुन्नू, ये देखो यार इसके वाली में मुझे तीन लग रहे हैं। वैसे सही बताऊं देखो कितना मोटा पेट है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, वैसे तो हमें डॉक्टर ही बताएगा कितने हैं। अभी सारी बकरियां जाएंगी बिग जू में। सुभान डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ गुम हो गए हमें यहाँ भेज के। डॉक्टर गया पर तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराने लग गया। नहीं नहीं यार, ये दोनों बच्चे देने वाली है, ये भी बच्चे देने वाली है और ये भी। अभी पता लग जाएगा इन दोनों के पेट में कितने कितने बच्चे हैं। बकरियों को हमने यहाँ बंद कर दिया। दिलबर डोली सब देख रहे हैं ये न्यू मेहमान कौन आ गए हैं बिग जू में। और भाई ये भी हमारे अपने ही हैं। खोलो भाई खोलो खोलो खोलो। शुक्र है यार डॉक्टर साहब आ गए, बड़े लेट हो गए हो यार आप। डॉक्टर साहब अपना एक्सपेरिमेंट ना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई टीका टूका तो नहीं लगेगा ना? टीका ना लगाना, हमें पहले भी बड़ा टीका लगा हुआ है। टीका ना लगाना, बस ऐसे चेक कर लेना यार। चेक कर देते नहीं, इतनी सॉरी मेडिसिन है। आ जाएं चलें। अभी मामू आगे से पकड़ेंगे और देखते हैं डॉक्टर साहब कैसे चेक करते हैं। चेकअप करा रहे यार तेरा, कितने बच्चे तेरे देखेंगे ना। ये कोई न्यू तरीका है पता नहीं कैसे है। वो मशीन होती है डॉक्टर साहब, वो नहीं ले आए? मशीन के बगैर ही होती है। वो कह रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा भाई, सहूलत है। तजर्बा बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब को। सारे ये इसके ट्विंस बेबी हैं। तो खुशखबरी है, ट्विंस बीबी है। मतलब दो जुड़वा। दो जुड़वा? हाँ। मैंने अपनी मशीन से अभी चेक किया मोबाइल से, पांच थे। नहीं मामू आपकी गलत मशीन है ना। डॉक्टर साहब सही बता रहे हैं। अच्छा दोस्तों हमारी ब्राउन वाली बकरी के अंदर दो बच्चे हैं। अब व्हाइट वाली को भी चेक कराते हैं। और पहले बताओ इसको कितने दिन है बाकी जब बच्चे आ जाएंगे? इसको लग जाएंगे कोई मेरे ख्याल में हफ्ता लग जाएगा, मतलब एक वीक में बच्चे आ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये व्हाइट वाली का भी बता दो यार। आप दोस्तों व्हाइट वाली बकरी का चेक हो रहा है। इसके अंदर एक होगा, एक मुझे नहीं लगता एक भी हो भाई। इसको देर भी बहुत है, ये मैं बता रहा हूँ। एक ही बच्चा है। एक? मेरी बात सच हो गई है। चलो ठीक है। और सुभान न्यू बकरे लेके आ रहा है। सुभान ये किसके लिए है? भाई वो ना हमारी बकरी को मुबारकबाद देने आया है। ये दोनों? हाँ। ये बकरे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। क्या बात है, मुबारकबाद देने। चलो मुबारक दे दो, एक हफ्ते बाद इसके बच्चे आ जाएंगे। चलो डॉक्टर साहब ना दोबारा चेक कर रहे हैं। कुछ भी मसला हो ना आप हमें बता दो। इसको मेडिसिन क्या देनी है ताकि इसके बच्चे हेल्दी हों? ठीक है डॉक्टर साहब। इसको तो यार फीवर भी हो रहा है। फीवर भी है? तो जल्दी से आप मेडिसिन हमें बता दो, हम ले लेंगे। ठीक है यार, इनके फार्म बस जल्दी बनाते हैं, बड़ा तंग कर देते हैं। जब भी हम आए पूरा बिग जू में घूमते रहते हैं ऐसे। मुबारक हो यार वलीद, मुबारक हो। है दो दो तीन तीन बच्चे और यार हैं। बस आने वाले हैं जल्दी। इनको दोस्तों हम ना वापसी फार्म में लेके आ चुके हैं। जितने बच्चे पैदा होंगे ना सारे बच्चों को दिखाएंगे, इनके बच्चे जब पैदा होंगे। हाँ जल्दी हो जाएंगे, वो डॉक्टर बोल रहा है एक हफ्ते में आ जाएंगे। बस जल्दी से वहाँ बिग जू में फार्म बनाने हैं ताकि इन सबको हम वहीं शिफ्ट कर दें। जो बच्चे आएंगे सबको दिखाएंगे इनके। हैं हाँ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लियो आराम से सो रहा है। दोस्तों आपने दुआ करनी है हमारा लियो जल्दी सही हो जाए। चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ।